children, good morning. How are you all? Okay, so are you all doing your subtraction sums in your rough notebook? Good. So today again we are going to do subtraction in maths. So just quickly revise it. What is subtraction? Subtraction means to take away, right? Yaad aaya? Haan, bilkul. किसी नंबर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हम कुछ चीजें या कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ नंबर वापस ले लेते हैं तो दैट इज सब्ट्रैक्शन. ओके, एंड व्हाट इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन? ये हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन होता है. सब्ट्रैक्शन को हम और क्या कहते हैं? माइनस. गुड. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आई हैव 4 माइनस 3. सो व्हाट आई हैव टोल्ड, जो आंसर आता है उसको हम इन दोनों का क्या बोलते हैं? डू यू रिमेम्बर? बिल्कुल करेक्ट, डिफरेंस. सो तो 1 इन दोनों का क्या है? डिफरेंस. और जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर में से बड़ा होता है, छोटा होता है, ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है. Let us do with one more method, that is number line method. Here you can see there is a number line and I have written numbers from 0 to 6. Yaad aaye ye number line? Yes, addition mein bhi kiya tha, right? So in subtraction only with the help of this method we can do subtractions, okay? Let us see how, kaise karenge. So the question is 6 minus 3 is equals to what? What is the difference of 6 minus 3? Yes, you can take out without this method also, aur kafi sare bachcho ne answer bhi kar diya hoga, that's good. But let's learn this method also, okay? So what we have to do? We have to do 6 number ko hum dekhenge. The first number ko dekhenge, that is 6. So we will jump from 0 to directly 6 number. सीधा हम 0 से किस नंबर पे जंप करेंगे? 6 नंबर पे, ठीक है? क्योंकि हमें 6 में से 3 को माइनस करना है. सो लेट्स जंप ऑन 6. वी हैव रीच्ड, हम पहुंच गए 6 पे. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें 6 में से कितना माइनस करना है? 3. तो हमें सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंट करना होता है, बैकवर्ड चलना होता है. तो क्या करेंगे? नीचे आएंगे और नीचे से हम 3 बार जंप करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे. कितनी बार? 3 बार. क्यों? क्योंकि 6 में से 3 को माइनस करना है. लेट्स डू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 1, 2 एंड 3. तो हम कहां पहुंचे? 3 पर. सो आंसर विल बी 3. Let's take one more example. So the question is 5 minus 2 and we have to take out the answer. So with the help of this number line, फटाफट से मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम? 0 से किसके ऊपर जंप करेंगे? Very good, 5. Now what will be the next step? Backward. कितना backward आएंगे हम? 2. So count 1 and 2. तो कहां पहुंचे हम? Where we have reached? Number 3. तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3. समझ आ गया सबको? So this way you have to do in your book on page number 23. Let's do subtraction sums with some more examples. Here I have written some questions. 4 minus 2 मैंने इस वे में लिखे हैं, तो दीज आर हॉरिजॉन्टल वे ऑफ सम्स. ओके, सो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बाद वाली डिजिट देखनी है, दैट इज 2, और फ्रंट वाली क्या है, पहले वाली क्या है? 4. तो हमें 4 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, राइट? वो हम कैसे निकालेंगे? 2 के बाद हम 4 तक काउंट करेंगे. 2 के बाद आता है 3, 4. हमें कहां तक जाना है? 4 तक. हम 4 पर आ गए, तो कितना आया आंसर? आंसर इज 2. नेक्स्ट 9 माइनस 4, तो हमें कौन सी डिजिट देखनी है?
बाद वाली, तो बाद वाली डिजिट इज 4। तो 4 के बाद हम 9 तक काउंट करेंगे, 4 के बाद 9 तक। तो 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमें कहां तक पहुंचना था? 9 तक। तो कितने आया आंसर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5 विल बी आंसर। एंड द लास्ट इज 8 माइनस 8। इफ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 आउट ऑफ 8, सो हाउ मच विल बी द आंसर? हाउ मेनी विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 0। गुड, लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स विद दिस वे। ओके, अगर हम सम्स को इस वे में लिखते हैं तो ये हो गया हमारा वर्टिकल वे। वर्टिकली हम सम्स को ऐसे लिखते हैं। सो वंस एंड टेंस, हम हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे सॉल्व करने के लिए सम्स को? वंस से, राइट? सो 7 माइनस 3, तो हमें कौन सी डिजिट देखनी है? बाद वाली। तो बाद वाली इज 3, और हमें कहां तक जाना है? 7 तक। तो 3 के बाद 7 तक काउंट करेंगे, 4, 5, 6 एंड 7। सो आंसर इज वॉट? काउंट माई फिंगर्स फास्टर। ग्रेट, दैट इज 4। तो हम हमारा आंसर भी वंस के नीचे ही लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट इज 9 माइनस 5। सो अगेन 5 के बाद कहां तक काउंट करेंगे? 9 तक। सो स्टार्ट 6, 7, 8 एंड 9। सो आंसर इज 4। वेरी गुड। सो बेटा प्लीज कीप ऑन रिपीटिंग दीज थिंग्स, प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स एट होम इन योर रफ नोटबुक। सो नाउ लेट्स डू वन एक्टिविटी रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन सम्स। सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, आई हैव सम डो बॉक्सेस विद मी, क्ले डो, स्केच पेन्स एंड शार्पनर्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई हैव, लेट्स काउंट दीज clay boxes, 1, 2, 3, 4 and 5. So what if I will take 2 out of these? How much left? That is 1, 2 and 3. What if I will take 1 more? How much left? Only 2. And what if I will take both these also? 0. So this way you can do at home also with your stationary items. आप उन्हीं में से चीजों को minus कर सकते हैं, take away कर सकते हैं। तो मैंने इनमें से पहले 2 को take away करा, फिर 1 more, and then again जो भी बचा था उनको भी। तो I am left with 0. So next is sketch pens. Let's count how many sketch pens I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I have 10 sketch pens. So what if I will take 1, 2, 3, 4? Can you tell me how many left? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes. If I will take away 3 more, now only 3 are left, right? Next, let's count how many sharpeners I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Again 10 sharpeners I have. So I have 4 children in my class, those who are not having sharpeners. So I have taken 4. So how many left? Tell me, hurry up, count and tell me. 6. Very good. So 1 more, said ma'am, even I am not having sharpener. So I will take 1 more and give it to that child. So now how many left? 5. So this way you can practice at home with your stationery items. So children, this was all about subtraction sums with the activity. Okay, so please keep practicing these things in your notebook.
book and in your rough notebook. Till then, take care of yourselves, everyone. Bye.